इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। मुंबई से सटे थाने के कामगार अस्पताल के पीछे पुलिस को मानव कंकाल मिला, जिसके बाद पूरे थाने में इसको लेकर दहशत हो गई। आपको बता दी कि एक व्यक्ति एक कुत्ते की जान बचाने के लिए अस्पताल के पीछे गया, तब सालों से बंद जो ड्रेनेज की टंकी है उसके नीचे जो उस व्यक्ति है उसको एक मानव कंकाल दिखाई दिया। उसके बाद उसने अस्पताल को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद अस्पताल ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने आते ही कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बता दें कि डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस ने एक स्पेशल टीम के साथ इस ड्रेनेज की टंकी से कंकाल को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की। कंकाल को बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन उसका जो सर है वो पुलिस को नहीं मिल रहा था। एक घंटे की मशक्कत के बाद कंकाल का जो सर है उसे बाहर जब निकालने की कोशिश की जा रही थी तो तीन टुकड़ों में वो टूट गया। जब उसे बाहर निकाला गया तो पुलिस ने सीधे ही अस्पताल की तरफ भेज दिया ताकि इसका पोस्टमार्टम हो और पता लगाया जा सके कि ये किस व्यक्ति का कंकाल है, ये कौन है, कौन सा शख्स है और क्या किसी ने इसकी हत्या करके बॉडी को यहाँ पर डंप कर दिया। फिलहाल अस्पताल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। देखा जा रहा है कि ये कितने दिन पहले की घटना है, क्योंकि ये जो इलाका है वो कई सालों से बंद था, खंडहर का इलाका है, ड्रेनेज जो टाकी है वो भी सालों से बंद पड़ी थी। तो ऐसे में क्या किसी ने पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पर किसी बॉडी को डंप किया है, इस सारे एंगल की जाँच जो है थाने की वागली स्टेट पुलिस जो है वो कर रही है। फिलहाल कंकाल देखकर और जिस तरह सिर का हिस्सा तीन टुकड़ों में सामने है उसको देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक लंबी प्लानिंग हो सकती है। कैमरा पर्सन प्रतीक जाधव के साथ मैं अमृता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।